कमलनाथ। और पीछे जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। मैं नीमच विधानसभा के आदरणीय प्रत्याशी भाई उमराव सिंह जी से निवेदन करूंगी कि कृपया आए और मंच को संबोधित करें। भारत माता की, कांग्रेस कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी पधारे हैं, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खूब तालियां बजा के सब अभिनंदन करें। हमारे बीच में मनासा क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी माननीय नाटा जी, हमारे बीच में जावद विधानसभा के प्रत्याशी समंदर भाई, हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय नंदकिशोर पटेल जी, पूर्व विधायक जाजू जी, हमारी जिले के जागरूक अध्यक्ष जाबाज अध्यक्ष भाई अनिल चौरसिया जी, हमारी कांग्रेस की प्रभारी नूरी खान जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सम्मानीय मंच। आज कमलनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और यहाँ पर बिना मांगे मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है आपने। जब सांसद विधायकों ने मना कर दिया था, नीमच के पत्रकारों ने और जनता ने आंदोलन किया और हम 5 पत्रकारों के साथ नीमच के हम सब लोग वहां पे गए और कमलनाथ जी से मांग की। कमलनाथ जी ने कहा तीनों सीटों से हमारे हैं। मैंने कहा साहब नीमच जिले की जनता ने हमको भेजा है और आपको मेडिकल कॉलेज देना होगा। जब 400 करोड़ की व्यवस्था उनने तत्काल 11 मिनट में की, 11 दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। ऐसे नेता हमारे बीच में आए। बंगले बगीचे की समस्या 20 सालों से अटका रखी है। विधायक और उनके साथियों ने नगर पालिका और नीमच को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह आरोप उनके ऊपर लगाया है। 50% कमीशन खा रहे हैं और भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं। ये किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं साथियों। लहसुन आयात कर लिया, पोस्ता दाना आयात कर लिया, गेहूं का निर्यात खोला और बंद कर दिया और किसानों के साथ आय डबल तो नहीं हुई, आय आधी हो गई है। और नीमच में लीज की समस्याएं अटका रखी है। नीमच में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। विधायक कहीं जाते हैं तो 3 उपलब्धियां 15 साल में नहीं गिना सकते। ऐसी स्थिति में नीमच की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, नीमच की सीट को भारी बहुमत से जिताना है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जनता ने ये ठान ली है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 18 साल के इस काली अंधेरी रात को दीपावली के दिन दिया जलाकर इस अंधेरे को मिटाना है और 17 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाया है। सारे दोनों हाथ खड़े करके समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उमराव सिंह जी। मैं भाई राजकुमार अहिर, मंगेश संघाई जी और तरुण बाहेती जी, इन सभी से निवेदन करूंगी कि एक बार खड़े हो जाएं और आप सब ताली बजाकर इन तीनों नेताओं का अभिवादन करेंगे। मैं अब जावद से भाई समंदर पटेल जी को आमंत्रित करती हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। प्रदेश के दिलों की धड़कन पूर्व भावी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के यशस्वी अध्यक्ष परम सदे आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे जिले की प्रदेश संयुक्त प्रभारी आदरणीय दीदी नूरी खान जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौरसिया जी, मनासा के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाटा जी, नीमच के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई उमराव सिंह जी गुजर जी और जिले और तहसील के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण तथा मंच पे विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, बड़ी कृपा है आदरणीय कमलनाथ जी की जिन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना को महत्व देते हुए
जावत क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं इसके लिए जावत क्षेत्र के सभी मतदाता की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तथा मेरे जावत क्षेत्र के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जावत विधानसभा सीट पर आपका प्रत्याशी निश्चित रूप से विजय होगा और जावत की सीट प्रदेश कांग्रेस के मुखिया के रूप में आपको समर्पित करने का संकल्प जावत क्षेत्र के कार्यकर्ता और मतदाता ले चुके हैं। मैं आपके विश्वास पर पूरा पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरे जावत क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से गरीब और भोली भाली जनता तथा किसानों के साथ भाजपा सरकार के नुमाइंदों द्वारा छलावा किया जा रहा है। जनता ठगी सी महसूस कर रही है। उद्योग के नाम पर चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किसानों की जमीनों और कानून को बड़ा ताक रखकर छीनी जा रही है। प्रशासन की मदद से खड़ी फसलों को बर्बाद कर जमीनों का कब्जा नेताओं की भागीदारी से पूंजीपतियों को सौंपने का घनित खेल चल रहा है। किसान, युवा, मजदूर सभी बेरोजगार शिकार है। मैं उन सभी की ओर से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सरकार बनते ही कठोर कानून बनाकर किसानों और गरीबों का हक उन्हें वापस दिलाए जाने का प्रयास करे। मैं जावत क्षेत्र में अस्पताल के भवन जो कांग्रेस शासन में बने थे, डॉक्टर और स्टाफ के अभाव में खाली पड़े हैं। जनता अपने परिजनों को बीमारी की स्थिति में उन्हें लेकर इंदौर, उदयपुर की ओर भागती फिर रही है। फिर कोई महंगे अस्पताल का खर्च उठा नहीं सकती स्थिति में नहीं हो सकता है। इस गंभीर समस्या पर भी हमें ध्यान देना होगा। जावत क्षेत्र के युवा विद्यार्थियों को भी जापानी शिक्षा का सजभाग दिखाकर क्षेत्र को शिक्षा के नाम पर उपेक्षित रखा है। कई भवन नहीं है तो कई अध्यापक नहीं है। रोजगार के लिए भटकते युवाओं के लिए हमारी बनने वाली सरकार और पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जावत क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचारी को भाजपा मंत्रियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। सारे आम रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भी उन्हें पद से हटाया नहीं जाता है तथा उनके साथ मंच साझा कर ईमानदार लोगों को चिढ़ाने की बेईमान कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई के लिए हम विचार करना होगा। आदरणीय कमलनाथ जी, चारों ओर ढेरों समस्याएं हैं, केवल आपसे ही जनता को आशाएं हैं। आप समस्याओं के इस विकराल पर्वत को ध्वस्त कर आम जनता के लिए कुछ सुगम मार्ग बना सकेंगे। आप ही क्षेत्र की आशा और भरोसा है। मैं पुनः आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जावत क्षेत्र की जनता के प्रेम और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। नीमच जिले की जनता कांग्रेस के नुमाइंदों पर पूरा विश्वास भरोसा कर उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजेगी और जिले की तीनों विधानसभा सीटों की एक नई इबारत लिखकर आपको समर्पित करेगी। ना भय ना भ्रष्टाचार, अब की बार कमलनाथ सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। मैं तो आपका भाई हूं और आपने तो भाई का रिश्ता पिछले चुनाव में समर्थन नहीं किया, पर भाई ने आपके यहां आकर, मुझे याद है अतिवृष्टि हुई थी, मैं शुरू में ये कह रहा हूं अतिवृष्टि हुई थी और मैंने आपके बीच में आया था। जब मैं भोपाल वापस पहुंचा मैंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं देख के आया हूं इनको फौरन मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारियों ने मुझे कहा हम सर्वे करवाएंगे। मैंने कहा तुम कौन होते हो सर्वे करने वाले जब मैं सर्वे करके आया हूं। इनका मुआवजा इनको फौरन मिले, हफ्ते भर में नहीं मिला मैं आपके ऑफिस में ताला लगा दूंगा और आपको हफ्ते भर में मुआवजा मिला। मिला आप सबको। आज पूरे प्रदेश का चेहरा आप सबके सामने है। यह चुनाव जो है ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। आज पूरा प्रदेश देखिए, चौपट प्रदेश, पूरा चौपट प्रदेश बना हुआ है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। केवल चौपट प्रदेश ही नहीं, ये तो घोटाला प्रदेश बना हुआ है और ये सब मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। किस चीज का विकास हुआ? कमीशन का विकास हुआ, घोटालों का विकास हुआ और आज ये नौजवानों को मैं देखता हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं मुझे बड़ा चिंता होती है कि यही नौजवानों
का भविष्य अगर असुरक्षित रहा, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य नहीं है तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे नीमच का? ये आज किस प्रदेश में जी रहे हैं? भ्रष्टाचार प्रदेश में, घोटाला प्रदेश में। ये सब आपके सामने है। इनका रोजगार, इनका व्यवसाय, आज के नौजवान में यही सोच है। आज का नौजवान में तड़फ है, वो कमीशन नहीं चाहता, वो ठेका नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। और जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं बनने वाला। आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब निवेश आए, जब योजनाओं में जो योजना है उनका घोटाला ना होए। योजनाएं आती है, आप ट्रक चला सकते हो, बस चला सकते हो, ढाबा खोल सकते हो, पर अगर इतना घोटाला, 50% कमीशन देनी पड़ती है, तो उन योजनाओं का क्या फायदा है? आज निवेश नहीं आता क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं उनसे बात करता था, वो कहते हैं कि मध्य कदम रखते ही मध्य प्रदेश में हमें पैसे देने पड़ते हैं। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। माफिया के खिलाफ मैंने युद्ध शुरू किया था, आप गवाह हैं, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था। ये सब आप सबके सामने है। और 18 साल शिवराज सिंह ने 22,000 घोषणाएं करी, उनकी घोषणा की मशीन अभी भी बंद नहीं हुई, अब तो इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज सिंह जी को तो मैं कहता हूं, आ जाइए शिवराज सिंह जी, आप 18 साल का हिसाब दे दो, मैं जनता को अपने 15 महीनों का हिसाब किताब दे देता हूं। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, विदा करेंगे शिवराज सिंह जी को। 3 दिसंबर में 30 दिन बचे हैं, 3 दिसंबर को गिनती होगी, गिनती तो आज से शुरू कर लीजिए। 30 दिन बचे हैं, शिवराज सिंह जी को ये कैसे विदा करेंगे? 17 तारीख को चुनाव है, पंचायत के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपने मायने है। मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है, हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश का भविष्य तय होगा और ये भविष्य आपके हाथ में है। आज मैं आपसे यही विनती करने आया हूं कि 15 महीने मुझे मिले थे, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मेडिकल कॉलेज आपको दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, मुआवजा दिया, और आपके नीमच में 50,000 लोगों का, किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। किया शिवराज सिंह जी झूठ बोलते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने तो पहली किस्त में 50,000 किसानों का कर्जा, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं पर चालू खाते वाले का किसानों का भी कर्जा माफ किया। हमारा दूसरा किस्त हम चालू कर रहे थे, हमारी सरकार नहीं आई, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, विधायक मेरे पास आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, मैंने उन विधायकों को कहा मौज कर लो, मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठने वाला हूं। मैंने कोई सौदा नहीं किया, हमारी सरकार नहीं आई, कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा प्रदेश में पहली किस्त में माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाला मैंने बनाई? कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली आपको दी? आज घर जाके बिजली का बिल देखिएगा, और आगे आने वाले समय में 100 यूनिट आपको मुफ्त दूंगा और 200 यूनिट हाफ में दूंगा। ये कौन सी गलती करी मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाया, कौन सा गुना मैंने किया?
ये सब आप गवाह हैं। जितना झूठ बोल रहे शिवराज सिंह जी, अंत में मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि शिवराज सिंह ने दिया क्या। शिवराज सिंह जी ने महंगाई दी, शिवराज सिंह ने बेरोजगारी दी, शिवराज सिंह ने कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, याद है कोरोना कितनों की मौत दी, भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, और एक और चीज शिवराज सिंह जी ने दी बताओ, घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है, इनको सुनाई नहीं पड़ता। आज किसान जो भटक रहा है खाद के लिए, किसान जो अन्याय की आवाज निकाल रहा है, इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनके कान नहीं चलते। इनको ये नौजवान, दुखी नौजवान, निराश नौजवान नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, मुंह चलाने में ये माहिर है। मैं तो कहता हूं ऐसे कलाकार शिवराज सिंह जी है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप जाइए बंबई, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, ये आप कलाकारी वहां करिए, यहां हमारी जनता को मूर्ख मत बताइए। ये आज चित्र आप सबके सामने है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव सत्ता का नहीं है, ये चुनाव सच्चाई का है। और कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और सच्चाई का साथ देना। आप सब मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आप सब बैठे, आप गवाह हैं या शिकार हैं, सही बात है। ये भ्रष्टाचार तो खास करके नीमच में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 50% कमीशन, ये सब आप गवाह हैं। तो सच्चाई का साथ दीजिएगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, आप बटन सच्चाई का दबाइएगा, केवल एक उम्मीदवार का बटन मत दबाइएगा, केवल एक पार्टी का बटन मत दबाइएगा, सच्चाई का बटन दबाइएगा। और सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हम अपना मध्य प्रदेश, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। जब हमारी विधानसभा शुरू होगी, नीमच के तीनों सीटों का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।